हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईआरग्रेड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 6283 आईसी के किट बनाना। दोस्तों, बिना पीसीबी के किट में बनाने बताऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों, ऑल कंपोनेंट्स जो है डायरेक्ट ऐसे ही मैं लगाऊंगा बिना किट का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, इस किट को बनाने के लिए हमें चाहिए एक 6283 आईसी का किट, जो कि मैं इसमें लगा लिया हूँ, ग्लू गन से चिपका लिया हूँ। और चाहिए कंपोनेंट्स, जिसमें से 6 कैपेसिटर है। दोस्तों, 6 कैपेसिटर का मैं वैल्यू और दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है दोस्तों 25 वोल्ट 1000 यूएफ का कैपेसिटर, और हमें चाहिए एक 10 वोल्ट 470 माइक्रोफाराड का कैपेसिटर, और दो चाहिए कैपेसिटर दोस्तों 16 वोल्ट 100 माइक्रोफाराड का, ठीक है। उसके बाद से चाहिए, देखिए यहाँ पे 16 वोल्ट 100 माइक्रोफाराड का ये है कैपेसिटर, ये हमें लोगों को चाहिए दो, ठीक है। और एक कैपेसिटर चाहिए दोस्तों 25 वोल्ट 47 माइक्रोफाराड, ठीक है। और एक चाहिए 50 वोल्ट 4.7 माइक्रोफाराड का, देख सकते हैं आप, ठीक है। और चाहिए हमें दो पीएफ, जिसमें से है एक है 102 का और एक है 104 का, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये है 104 का, ये है 102 का। और तीन रजिस्टर चाहिए दोस्तों, जिसमें से है एक 12 किलो ओम का, देख सकते हैं आप, यह है 12 किलो ओम का, और चाहिए एक 4.7 ओम का रजिस्टर, ठीक है, जो कि है मेरा ये। उसके बाद से दोस्तों और एक रजिस्टर चाहिए 150 ओम का। इतने में ही दोस्तों आपका 6283 आईसी का किट का सिंगल चैनल का एम्पलीफायर बन जाएगा दोस्तों। इसमें एम्पलीफायर, जो एम्पलीफायर साउंड मिलेगा, वो मिलेगा आप लोगों को 30 वाट, ठीक है 30 वाट आउटपुट मिलेगा। तो चलिए इसका मैं वायरिंग करने बताता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को इसके सर्किट डायग्राम को मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा 6283 आईसी किट का डायग्राम, मैं इसको बना लिया हूँ। तो दोस्तों, 6283 आईसी में टोटल 12 पिन होते हैं, ठीक है। 12 पिन में से देख सकते हैं आप, यहाँ पे पिन नंबर तीसरा में मैं जोड़ लिया है कैपेसिटर को 16 वोल्ट 100 यूएफ का कैपेसिटर, और उसके बाद से जो कैपेसिटर का नेगेटिव है उसको ग्राउंड में जोड़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद से चौथे पिन को भी हमें कुछ नहीं करना है, पाँचवें पिन को भी कुछ नहीं करना है, और छठे पिन को जोड़ देना ग्राउंड से, ठीक है। उसके बाद से सातवां नंबर पिन जो है दोस्तों, उसमें से एक कैपेसिटर जोड़ा हूं पॉजिटिव से, ठीक है। और उसका नेगेटिव में जो है दोस्तों, एक रजिस्टर जोड़ा हूं 12 किलो ओम का, जिसमें से ऑडियो इन हमें देना है, ठीक है। रजिस्टर के एक छोर जो बच जाएगा, उसमें से हमें देना ऑडियो इन। और दोस्तों, यहां से जो है एक पीएफ को जोड़ना है हमें 102 का, जो मैं दिखाया था अभी। और पिन नंबर 8 में दोस्तों एक कैपेसिटर को जोड़ना है 25 वोल्ट 47 माइक्रोफाराड का, ठीक है। और उसमें से उसके नेगेटिव में जोड़ना दोस्तों एक रजिस्टर 50 ओम का, ठीक है। और उसको फिर जोड़ देना है हमें ग्राउंड से। उसके बाद से पिन नंबर 9 जो है दोस्तों, उसको ग्राउंड से हमें कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों, ये जो पिन नंबर 10 है, उसमें जोड़ना है हमें एक कैपेसिटर 10 वोल्ट 470 माइक्रोफाराड का, ठीक है। और कैपेसिटर का पॉजिटिव इस साइड रहेगा दोस्तों, नेगेटिव इस साइड रहेगा, ठीक है। और स्पीकर का नेगेटिव में ये हो जाएगा, और कैपेसिटर का नेगेटिव इधर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ये नेगेटिव है और इधर जो है पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है। और इसमें इसके पॉजिटिव, कैपेसिटर के पॉजिटिव में दोस्तों जोड़ना है एक रजिस्टर 4.7 ओम का, ठीक है। और उसमें से दोस्तों एक पीएफ को जोड़ना है 104 का, और फिर हमें कनेक्ट कर देना है उसे ग्राउंड से, ठीक है। उसके बाद से पिन नंबर 11 और पिन नंबर 10 में एक कैपेसिटर जोड़ना है 16 वोल्ट 100 माइक्रोफाराड का। उसके बाद से दोस्तों, पिन नंबर 12 में बैटरी का पॉजिटिव जाएगा, और वहीं पे जोड़ना है बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव से दोस्तों जोड़ना है 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफाराड का जो कैपेसिटर है, उसको जोड़ देना है, ठीक है। कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव के अनुसार ही हमें कनेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब इसका वायरिंग करने बताता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए, यहां पे ग्राउंड में जो है पिन नंबर तीसरे में जोड़ना है हमें 16 वोल्ट 100 माइक्रोफाराड के कैपेसिटर को, और कैपेसिटर का पॉजिटिव जो है दोस्तों पिन नंबर 3 में जोड़ना है, ठीक है। तो कैपेसिटर का पॉजिटिव इस साइड वाला वायर है, और कैपेसिटर का नेगेटिव जो है इस साइड है, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव को मैं जोड़ने जा रहा हूं पिन नंबर 3 में। तो इसको यहां पे मैं कुछ इस प्रकार से जोड़ लेता हूं, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद दोस्तों, हमें जोड़ना है
इसमें से इसका जो नेगेटिव वायर है उसमें जोड़ लेना हमें एक ग्राउंड का वायर। तो इसका ग्राउंड का वायर जो है दोस्तों एक वायर में कनेक्ट कर लिया हूँ, जिसमें से तोड़ लिया हूँ बीच बीच में, और जहाँ जहाँ हमें ग्राउंड का जोड़ना है वहाँ वहाँ कट कर लिया हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं एक ग्राउंड के लिए इस वायर को यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो पिन नंबर 4 में हमें कुछ नहीं करना है, 5 में भी कुछ नहीं करना है, और 6ठा जो है दोस्तों हम लोगों को ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो 6ठा पिन नंबर जो है दोस्तों ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो मैं इस वायर को जो है इस प्रकार से मोड़ देता हूँ थोड़ा सा। इसको मोड़ने के बाद ये जो है दोस्तों थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा, उसके बाद से 6ठा नंबर पिन जो है हमारा ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर जो है दोस्तों ये हो जाएगा। तो इसमें मैं इस वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका जो नेक्स्ट है 6ठा हो गया कनेक्ट, और 7वां में मैं कनेक्ट करता हूँ दोस्तों। मैं टोटली पहले ग्राउंड को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 6 के बाद जो है 9 में हमें ग्राउंड कनेक्ट करना है, तो 9 नंबर पिन में मैं ग्राउंड कनेक्ट कर लेता हूँ, 7 8 9। तो 9 नंबर का पिन जो है दोस्तों, सॉरी 9 नंबर का पिन जो है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। तो मैं इसमें यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है दोस्तों। उसके बाद से जो है अब हमें अगला जो कनेक्शन करना है वो मैं करने बताता हूँ। तो उसके बाद से 7 नंबर जो है दोस्तों, 7 में क्या करना है, हमें एक कैपेसिटर जोड़ना है 50 वोल्ट 4.7 माइक्रो फाराड का। ठीक है, तो ये है हमारा कैपेसिटर 50 वोल्ट 4.7 माइक्रो फाराड का। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, 50 वोल्ट 4.7 माइक्रो फाराड का। इसके पॉजिटिव जो है दोस्तों पिन नंबर 7 में हमें कनेक्ट करना है। तो पिन नंबर 7 हो जाएगा, 6 में मैं जोड़ा हूँ ग्राउंड को, 7 हो जाएगा ये। तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के बाद फिर से दोस्तों ये जो है इसके नेगेटिव में एक, इसके नेगेटिव से एक इधर जोड़ना है रजिस्टर 12 किलो ओम का। तो मैं 12 किलो ओम के रजिस्टर को जोड़ लेता हूँ इस साइड से। ठीक है, और वहीं से दोस्तों एक पीएफ भी हमें जोड़ना है, तो उसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, रजिस्टर में जोड़ लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद से एक पीएफ हमें जोड़ना है। पीएफ जो है 102 का है दोस्तों, पीएफ का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो मैं इसको इस साइड से ही डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो इसको इस साइड से जोड़ लेता हूँ, इन दोनों को सही से कैच करके रखता हूँ, उसके बाद से दोनों को साथ में जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं पीएफ और रजिस्टर को कनेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए पिन नंबर 7 मेरा कंप्लीट हो गया, और इसको दोस्तों ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो मैं इस साइड वाले वायर को मैं ग्राउंड में बाद में कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो पिन नंबर 8 में अब हमें क्या करना है, 25 वोल्ट और 47 माइक्रो फाराड का एक कैपेसिटर को हमें लगाना है। तो कैपेसिटर का पॉजिटिव जो है दोस्तों रहेगा इस साइड और नेगेटिव रहेगा इस साइड। देख सकते हैं आप यहाँ पर डायग्राम में, आप डायग्राम को स्क्रीन शॉट लेके रखिएगा वीडियो को बेक करके। ठीक है, ताकि आप लोगों को सोल्डिंग करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं इसको पिन नंबर 8 में सॉल्विंग कर लेता हूं दोस्तों। ये सर्किट जो है बनाने के बाद आप लोग को ध्यान रखें दोस्तों, इसमें जो है वायर कहीं भी टच नहीं होना चाहिए। अगर दोनों शॉर्ट जाएगा तो दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है सही से वर्क नहीं करेगा। हो सकता है 1283 ऐसी का किट जो आपने खरीदा है वो ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया हूँ। ये दोस्तों ये जो है बीच में यहाँ टच नहीं हुआ है, तो मैं इसको भी यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया हूँ। इसको सोल्डिंग करने के बाद अब इधर से जो वायरिंग किया हुआ है मैं वो करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है 150 ओम का। ठीक है, 150 ओम का जो कि है मेरा ये है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर लूँगा, उसके बाद से इसको जो है ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ दोस्तों। ये जो है दोस्तों जो फर्स्ट चैनल का आता है, सिंगल चैनल का आता है दोस्तों, उसके किट को मैं सारे उसी के किट से सारे कंपोनेंट्स को निकाल लिया हूँ, और उसी में जो है उसी को मैं बनाने बता रहा हूँ। ठीक है, बिना पीसीबी का दोस्तों देखता हूँ ये मैं जो है वर्क करता है या नहीं। ये मैं दोस्तों कमेंट के अनुसार ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद से 9 नंबर ग्राउंड से कनेक्ट करना है, जो कि मैं कर लिया हूँ। अब पिन नंबर 10वें में जो हमें कनेक्ट करना है दोस्तों, 10 वोल्ट 457 माइक्रो फाराड, इसको मैं बाद में कनेक्ट करूँगा। पहले मैं पिन नंबर 10 और 11 को 16 वोल्ट 100 माइक्रो फाराड के कैपेसिटर से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एक कैपेसिटर को जो हमें जोड़ना है 16 वोल्ट 100 माइक्रो फाराड का, जो कि नेगेटिव दोस्तों जाएगा पिन नंबर 10 में, और पॉजिटिव जो जाएगा दोस्तों पिन नंबर 11 में जाएगा। ठीक है, जो कि मैं डायग्राम में लिखने भूल गया था, आप लोग जो है लिख लें। ठीक है, तो नेगेटिव जो है दोस्तों जाएगा पिन नंबर 10 में, तो मैं उसके नेगेटिव को जोड़ लेता हूँ पिन नंबर 10 में। ठीक है, 10 और 11, तो नेगेटिव दोस्तों ये है मेरा, नेगेटिव इस साइड में जोड़ लिया हूँ,
और इस साइड जो है दोस्तों जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में मैं इसको कनेक्ट कर लिया हूँ। देख सकते हैं आप इसका नेगेटिव, जो कैपेसिटर का नेगेटिव है 10 में जोड़ा हूँ। तो इस प्रकार से आप भी जो है डायग्राम में दोस्तों मैं लिखने भूल गया था, आप लिख लें ठीक है। तो इसमें से जोड़ने के बाद दोस्तों ये तो कम्प्लीट हो गया, और इसमें दोस्तों जोड़ना है एक कैपेसिटर 10 वोल्ट 470 माइक्रोफाराड का, जो कि हमारा हो जाएगा स्पीकर का, स्पीकर का आउटपुट इसी से आएगा दोस्तों ठीक है। आप इसको जो है मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे दोस्तों। इसको कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर का नेगेटिव जो है इस साइड रखा हूँ, ये स्पीकर का जो है आउटपुट आएगा ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक जोड़ना है हमें एक रजिस्टर 4.7 ओम का, तो 4.7 ओम का रजिस्टर जो है ये है इस कैपेसिटर के पॉजिटिव में जोड़ना है ठीक है। तो इस कैपेसिटर के पॉजिटिव में मैं इस रजिस्टर जो 4.7 ओम का है मैं उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ ठीक है। तो इधर से मुझे जगह नहीं मिल रहा है, तो ये कनेक्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद से हमें क्या कनेक्ट करना है, इसमें से एक पीएफ को जोड़ना है 104 का, 104 का पीएफ को जोड़ने के बाद इसके जो आउटपुट जो हो जाएगा पीएफ का दूसरे वाली वायर जो हो जाएगा उसको हमें जोड़ लेना है ग्राउंड से ठीक है। तो मैं उसको ग्राउंड से जोड़ लूँगा, यहाँ से हो गया दोस्तों। उसके बाद से पिन नंबर जो 12 है वो हो जाएगा हमारा बैटरी का पॉजिटिव ठीक है। आप डायग्राम में देख लें एक बार, उसके बाद से आपसे इसे डायग्राम को देख करके कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो डायग्राम से आप अच्छे से आराम से कर सकते हैं ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो गया। उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो है बैटरी का पॉजिटिव हमें कनेक्ट करना है। तो बैटरी का पॉजिटिव के लिए मैं एक वायर को निकाल लेता हूँ इस जगह से ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों। उसके बाद से एक वायर जो ये हमारा यहाँ पे बच गया, ये मैं ग्राउंड कनेक्ट करते हुए आ रहा हूँ, तो यहीं से मैं डायरेक्ट ग्राउंड को जोड़ देता हूँ। ग्राउंड के लिए मैं इधर इसको मोड़ देता हूँ ठीक है। इधर से ये हो गया, ग्राउंड के लिए भी ये बन जाएगा, इनपुट मैं दे सकता हूँ इसमें, ये हो गया दोस्तों ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप डायग्राम में, और बैटरी का पॉजिटिव, और ये है कैपेसिटर जोड़ना है हमें ठीक ना। तो कैपेसिटर जोड़ना है दोस्तों, ये जो बैटरी का नेगेटिव है उसमें नेगेटिव का वायर जोड़ लेना है, कैपेसिटर का नेगेटिव का वायर, और कैपेसिटर का पॉजिटिव का वायर जोड़ लेना है बैटरी का पॉजिटिव वाला। तो मैं यहाँ पे इसके नेगेटिव में जोड़ लिया हूँ, और बैटरी का पॉजिटिव जो है दोस्तों ये मैं इसमें कैपेसिटर के पॉजिटिव में मैं जोड़ देता हूँ। ये जुड़ गया दोस्तों इसमें, और इसको मैं अच्छी तरीके से जोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं एक और वायर निकाल लेता हूँ बैटरी के पॉजिटिव के लिए ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करने के बाद देख सकते हैं हम, ये जो कैपेसिटर है इसको मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लिया हूँ। ये हमारा दोस्तों बन गया 6283 आईसी का किट ठीक है। ये है बैटरी का नेगेटिव, और बैटरी के पॉजिटिव के लिए दोस्तों यहाँ से मैं एक वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बैटरी का कनेक्शन इनपुट दूंगा इसमें, इस एम्पलीफायर में, सॉरी यहाँ से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे ये जो है कनेक्ट हो गया दोस्तों। इसको कनेक्ट करने के बाद ये है बैटरी का पॉजिटिव ठीक ना। तो दोस्तों जहाँ जहाँ हमें ग्राउंड कनेक्ट करना है वहाँ से मैं जम्पर के द्वारा यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, एक वायर के द्वारा से, वायर के माध्यम से। तो सबसे पहला जो ग्राउंड हमें कनेक्ट करना है ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर पिन नंबर 3 वाला ठीक है। तो ये है जो दोस्तों कनेक्ट कर चुका हूँ मैं पहले से। उसके बाद से ऑडियो इन जो देना है दोस्तों, 6 नंबर भी कनेक्ट कर चुका हूँ, और 7 में जो है 7 के PF का जो एक 102 का आउटपुट है उसमें से हमें ग्राउंड कनेक्ट करना है ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है सोल्डिंग कर लिया दोस्तों। इसको यहाँ पे सोल्डिंग करने के बाद मैं इसके आउटपुट जो है, हाँ एक हो गया, इसको कनेक्ट करना है हमें ग्राउंड से। तो मैं इसको ग्राउंड से डायरेक्ट इधर ही कनेक्ट कर देता हूँ ठीक है। इधर वाला ही वायर जो है ग्राउंड का है। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देता हूँ, इसको यहीं पे दोस्तों, यहीं पे क्योंकि मैं ग्राउंड जोड़ा हूँ इसीलिए यहीं पे मैं इसको जोड़ देता हूँ। ये यहीं पे कनेक्ट हो गया। और दोस्तों ऑडियो इन का जो हमें देना है, ये ऑक्स रहा मेरा ये, और इस ऑक्स वाले वायर को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ ठीक है। तो ये वायर यहाँ पे जुड़ गया दोस्तों, और एक वायर जो मेरा बच गया ये है ग्राउंड का ठीक है। ये एल का दिया हूँ मैं उस जगह पर, और एक है ये मेरा ग्राउंड का। तो इस ग्राउंड वाले वायर को मैं इसमें ग्राउंड में कनेक्ट कर लेता हूँ।
दोस्तों ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, उसके बाद से अब यहाँ से मैं प्ले करके बजा सकता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों और भी हमें ग्राउंड कनेक्ट करना है, तो उसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो पिन नंबर यहाँ पे जो 150 ओम का रजिस्टर मैं यहाँ पे लगाया हूँ, तो इसमें इसको भी ग्राउंड से कनेक्ट करना है दोस्तों। तो इसको ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, इस पिन जो है ये मेरा पिन है, इसको मैं टेढ़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, और इन दोनों को साथ में सोल्डिंग कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों पिन को मैं साथ में ही सोल्डिंग कर देता हूँ, ताकि मुझे वायर का ज़्यादा दिक्कत ना हो और जंपर ज़्यादा भी ना लगे, और थोड़ा वायरिंग जो है थोड़ा अच्छी ही दिखे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सोल्डिंग हो गया, ग्राउंड वायर यहाँ भी जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद से पिन नंबर 9 भी कनेक्ट कर लिया हूँ, और 10 में जो है दोस्तों ये स्पीकर का वायर है, स्पीकर का पॉजिटिव आएगा इसमें, और कैपेसिटर भी मैं जोड़ चुका हूँ यहाँ पे। तो स्पीकर का वायर मेरा ये है दोस्तों, स्पीकर इसी में मैं लगा चुका हूँ, तो स्पीकर का वायर भी मैं यहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया इसमें दोस्तों, और एक ग्राउंड का वायर जो है ये मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, इसमें कनेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, इसमें कनेक्ट होने के बाद दोस्तों अब हमें कनेक्ट करना है ग्राउंड वायर PF वाला, तो ये तो कनेक्ट हो चुका है, और इसमें से जो कैपेसिटर ये भी कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों लगभग जो है सारा के सारा वायरिंग जो है इसमें मैं अब कंप्लीट कर चुका हूं। अब देखता हूं मैं अब इसमें सप्लाई दे करके और प्ले करके, तो दोस्तों इनपुट में इसमें 5 ही बोल्ट दे करके चला करके देखता हूं या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर इसमें कोई भी फॉल्टी अभी भी है। ठीक है, तो मैं उसको पहले प्ले करके देख लेता हूं, उसके बाद से इसका फॉल्टी मैं फाइंड करके और बताता हूँ आप लोगों को। इसमें मैं दे रहा हूँ तो स्पीकर में साउंड तो नहीं आ रही है। आ रही है दोस्तों, साउंड जो है आ रही है, थोड़ी सी आई साउंड, और मैं देख, हाँ देखिए साउंड भी आ रही है। तो आप जो है देखिए, अब मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ इसका वॉल्यूम जो है दोस्तों मिलेगा कितना हाई। तो ये रहा मेरा ऑक्स, इस ऑक्स वाले वायर को अब मैं इसमें यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब मैं प्ले करके देखता हूँ कि इसका साउंड और इसमें जो है सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये जो है फुल्ली वर्क कर रहा है, देख सकते हैं आप। दोस्तों इनपुट जो है मैं इसमें 5 ही बोल्ट दिया हूँ, इसी कारण से सही से जो है यह नहीं साउंड दे रहा है। ठीक है, दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।